हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से कुछ बहुत ही अहम अपडेट आई है जो आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कोरोना से संबंधित जो अभी तक कई सारी पाबंदियां लगी हुई थी, कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, उनको अब सऊदी हुकूमत ने खत्म करने का फैसला किया है। 17 अक्टूबर से, यानी परसों संडे से इतवार से, कोरोना से संबंधित कई सारी पाबंदियां खत्म कर ली जाएंगी। ये सऊदी हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है कि इतने मीटर की दूरी पर ये खड़े होंगे, इतने मीटर की दूरी होनी चाहिए दो लोगों के दरमियान, चार लोगों के दरमियान, तो ये जो पाबंदी थी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ये पाबंदी खत्म कर दी जाएगी 17 अक्टूबर से। इसके अलावा जो मास्क से संबंधित पाबंदियां थी वो भी हटा ली जाएंगी काफी हद तक। साथ में ही जो मस्जिदें हैं वहां पर फुल कैपेसिटी के साथ में लोगों को अलाउ करने की परमिशन दे दी गई है 17 अक्टूबर से। तो ये सऊदी अरब की तरफ से बहुत ही अहम फैसला हुआ है कि जो कोरोना से संबंधित पाबंदियां थी उसको हटा ली जाएंगी 17 अक्टूबर से। तो ये सऊदी हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, फ्लाइट पर अभी भी सऊदी हुकूमत ने कुछ नहीं बोला है। जिन 10 देशों पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है कि यहाँ के लोग अगर होम वैक्सीनेटेड हैं वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं सऊदी अरबिया में, इसके बारे में सऊदी हुकूमत ने अभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना से संबंधित बहुत सारी पाबंदियों को सऊदी हुकूमत ने हटा लिया है, उससे ये संकेत मिलता है कि सऊदी हुकूमत बहुत जल्द फ्लाइट को लेकर भी फैसला कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देश नहीं बचे हैं, 10 देश और बचे हुए हैं जहां के लोग अभी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते अगर उन्होंने वैक्सीन अपने कंट्री में लगवाई है तो। अगर सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाकर छुट्टी पर आए हुए हैं तो वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, बाकी लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, वाया होकर ही सऊदी अरब जा रहे हैं, तो उनके लिए भी खबर जल्द आ सकती है। लेकिन सऊदी हुकूमत काफ़ी लंबा इंतजार करा रही है, काफी लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, वाया होकर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाई है उन लोगों के बारे में जो लोग होम वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने अपने देश में वैक्सीन लगवाई है, उनको लेकर सऊदी हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, उनको डायरेक्ट अलाउ करने के लिए अभी भी परमिशन नहीं दी है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब की गाका ने अहम फैसला किया है कि जिन भी लोगों के टिकट कोविड-19 की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई और कई सारी दिक्कतें हुई तो उनको फुल रिफंड की भी व्यवस्था की जाए। ऐसा गाका ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि कोविड-19 की वजह से जो प्रतिबंध लगा था, फ्लाइटें बंद हुई थी, टिकट कैंसिल हुए थे, तो उनको फुल रिफंड दिया जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा गया है कि आप दूसरा टिकट ले लीजिए, उसके बदले वाउचर ले लीजिए, तो उनके लिए भी कहा गया है कि जो अगर वाउचर नहीं लेना चाहते हैं या इसके अलावा दूसरे डेट में ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं तो उनको फुल रिफंड की भी व्यवस्था की जाए, ऐसा गाका की तरफ से कहा गया है एयरलाइंस को। तो बहरहाल दोस्तों, आगे कोई अपडेट होगी खासतौर पर इंडिया और सऊदी के दरमियान फ्लाइट को लेकर कि जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं, इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी फ्लाइट को लेकर जो लोग पाकिस्तान में वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए आगे कोई अपडेट होगी दोस्तों तो वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।